8 साल की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अफसरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला था, सुप्रीम कोर्ट से मिला था, वो अधिकार दिलवाने में सबसे बड़ा रोल था अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और दिल्ली सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में यही लड़ रहे थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पहला रिएक्शन सर, ये जो ऑर्डिनेंस केंद्र देखिए, सरकार लेकर आई है। दुख का है, खेद का है। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आप एक बिना ग्रेस के हारने वाले व्यक्ति हैं। जब आप मैच हारते हैं तो आप नियम मैच के बदल देते हैं, और वही हो रहा है। दूसरा, आज आप कानून द्वारा, और ऑर्डिनेंस को मैं कानून मांग रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं मानता कि जुलाई में जब संसद बैठेगा तो इस प्रकार का कानून पारित होगा, वो एक दूसरा प्रश्न है। तीसरा, उसको कानून मान लीजिए एक बार आप, क्या आप कानून से संवैधानिक सिद्धांत बदल सकते हैं? ये तो बड़ा, सब भी पहला वर्ष का विद्यार्थी भी जानता है कि कानून यानी संसदीय कानून द्वारा आप संविधान नहीं बदल सकते। अब जो ये सिद्धांत बिठाया था पहले खंडपीठ ने 5 जज की 2018 में, और अभी 2 हफ्ते पहले 2023 वाली 5 जज की खंडपीठ ने, वो सभी सिद्धांत संवैधानिक हैं, उनको आप ऑर्डिनेंस द्वारा बदल ही नहीं सकते। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में ये ऑर्डिनेंस आंतरिक रूप से स्टे होगा और अंतिम जाके निरस्त होगा, क्वाश होगा। वो नंबर चार, वो क्या संवैधानिक सिद्धांत हैं? इन निर्णयों में 2018 में भी और 2023 में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिल्ली को हमने बनाया क्यों इस तरह से। दिल्ली का आर्किटेक्चर, उसकी जो पूरी ढांचा है, उसकी जो एक कल्पना है, वो क्या है? वो है कि यहाँ स्वायत्त हो, यहाँ संघीय ढांचा हो, यहाँ अधिकार क्षेत्र हो डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा। तो आपने उसको नष्ट कर दिया है एक ऑर्डिनेंस बना के। आपको अगर यही था, क्या आप किसी जगह को चला सकते हैं, शासन कर सकते हैं बिना जो वहां की सेवाएं हैं वो आपके नियंत्रण में हुए? मैं आपके ऊपर शासन कर रहा हूं पूरे प्रदेश में, आप मेरे ब्यूरोक्रेसी हैं। मेरा अगर आपके ऊपर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है तो मैं शासन कैसे करूंगा? अगर ट्रांसफर पोस्टिंग तो कोई दंडित करने का भी अधिकार नहीं है तो और कैसे इसके होगा? अलावा संघीय ढांचा हुआ, विनिकेन्द्र डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इस प्रकार से कभी होता नहीं है कि आप जो सेवाएं हैं उनको किसी और को दें और शासन किसी और को दें। चौथा, आज तक नहीं हुआ कि जो सेवाएं होती हैं उनकी उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य, उनकी जवाबदेही होती है राजनीतिक कार्यपालिका में। यहां आपने उल्टा कर दिया है, आपने जो शासकीय लोग हैं उनकी जवाबदेही कर दी है दूसरे शासकीय लोगों पे। मतलब आपने तो दो पॉलिटिकल और, लोगों के प्रति जो ब्यूरोक्रेसी है जवाबदेह इसलिए होते हैं क्योंकि विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, पॉलिटिकल वो उसको आज करते हैं। आपने मुख्यमंत्री को अपनी ही समिति में एक अल्पमत बना दिया है, और उस मुख्यमंत्री को जो अभी से ही अल्पमत है, जिसको कोरम भी होने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर एक और अल्पमत बना दिया है, एक बहुमत बना दिया है, विशेष बहुमत एलजी का। तो ये तो एक मजाकिया चीज है। इसके अलावा जो सिद्धांत है कि आप जो भाग 14 कहा जाता है संविधान का, जिसके अंतर्गत सेवाओं के विषय में सब 309 311 महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो इस निर्णय में एनसीटी को दिए गए हैं। आपने इनका अधिकार क्षेत्र ऑर्डिनेंस से कैसे हटाया? इस तरह के कई प्रश्न हैं। मैं समझता हूं कि मूल रूप की बात यह है कि आप एक खिसियाई भी बिल्ली है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप ये भी जानते हैं कि ये कानून चलेगा नहीं, या तो निरस्त होगा, निरस्त होने से पहले संभव है संसद ही इसको पारित न करे, और आंतरिक रूप से भी रुक सकता है ये। लेकिन तब तक आपने समय खरीदा है, समय खरीदा, छुट्टी पड़ गई है अभी, छुट्टी की बात नहीं है, छुट्टी के अलावा भी कोर्ट कचहरी होती है, लेकिन आपने समय खरीदा है। इससे क्या दिखता है? दिन प्रतिदिन आप एक तरफ बाधा करते हैं, दूसरी तरफ विलंब करते हैं, तीसरी तरफ जिद करते हैं, चौथी तरफ जब आप मूकी खाते हैं उच्चतम न्यायालय में तो आप एक कानून पास कर देते हैं। तो हमेशा दिन प्रतिदिन प्रोवोकेशन, जो आप एक उत्तेजनापूर्ण वातावरण करते हैं, तो आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये। और अंततोगत्वा ये प्रश्न उठता है कि दिल्ली बनाया क्यों फिर आपने? हाँ, सरकार क्यों है दिल्ली में? जो आप 239 के बनाने की आवश्यकता क्या थी, जो उसका मूल ढांचा है उसकी क्या आवश्यकता थी? आप तो सिर्फ ये कह सकते थे कि दिल्ली की एनसीटी सरकार चलेगी इस केंद्र सरकार द्वारा, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, संविधान कह सकता था ना ये। संविधान ने विपरीत कहा, 3 विषयों के अलावा
ये दिल्ली के नागरिकों के लिए अपमान है। दिल्ली का नागरिक ये निर्णय कर सकता है कि आप निकम्मे हैं, मैं आपको वोट कर देता हूं बाहर। ये निर्णय कर सकता है कि मैं निकम्मा नहीं हूं, मेरे को वोट कर दे अंदर। हाँ, जनता के हाथ में फैसला। आप जनता के अलावा तीसरे आदमी से निर्णित करवाते हो तो बनाए क्यों दिल्ली फिर आपने? अब केंद्र सरकार ने रिव्यू फाइल कर दिया है, आप भी अब इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ? रिव्यू चलता रहेगा, ये तो एक मैंने कहा ना समय खरीदने की प्रक्रिया है। सब जानते हैं कि असंवैधानिक है, वो खुद जानते हैं। समय खरीदा है, देखते हैं क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।